हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर हूं एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सीएस टेक्निकल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट के सिलेबस को लेकर के और कौन कौन सी बुक्स लगती है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का अपडेट, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो से आपको कंटिन्यू अपडेट दे रहा हूँ, जैसे कि पहले मैंने 19 तारीख को वीडियो बना के आपको अपडेट किया, फिर 20 को किया, फिर 21 को किया, फिर 22 को किया अपडेट दिया आपको कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद मैं 23 को ऑफिशियल वर्क की वजह से बिजी था, आपको अपडेट नहीं दे पाया। फिर उसके बाद मैंने 24 तारीख को आपको अपडेट दिया कि 24 मई 2021 तक कोई नया अपडेट नहीं आया केंद्रीय विद्यालय द्वारा। वैसे ही आज डेट 25 मई 2021 को सुबह 8 बजे तक कोई नया अनाउंसमेंट या कोई नया अपडेट नहीं दिया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा क्लास फर्स्ट की लॉटरी लिस्ट को लेकर के। तो दोस्तों, जैसे ही कोई नया अपडेट या कोई नया अनाउंसमेंट किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना करके आप सबसे शेयर करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि यह अनाउंसमेंट किया गया केंद्रीय विद्यालय द्वारा, आप उसको देख लें। मैं सभी पेरेंट्स और भाई बहनों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर के धैर्य बनाए रखिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में खास टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था उसमें कहा गया था कि अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही क्लास वन या अदर क्लासेस के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ऐसे में जो क्लास वन में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो पेरेंट्स को ये चिंता भी हो रही होगी कि उनके बच्चे का टाइम निकलता जा रहा है। यानी जैसे अभी मई चल रहा है, उसके बाद जून आएगा, जुलाई आएगा, तो उनके बच्चे का टाइम भी निकलता जा रहा है और अभी एडमिशन को लेकर कोई अपडेट भी नहीं आया, लिस्ट में नाम भी नहीं आया, उसके बाद एडमिशन भी होगा। तो कुछ पेरेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जब तक एडमिशन लिस्ट में नाम लिया जाता है तब तक केंद्रीय विद्यालय की बुक्स वगैरह खरीद के भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स और भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के क्लास फर्स्ट के सिलेबस को आप घर बैठे बैठे पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि वैसे भी कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जब तक क्लासेस स्टार्ट होंगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा और अचानक से आपके बच्चे के ऊपर सिलेबस का लोड पड़ जाएगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को आज से ही पढ़ाना शुरू कर दें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं किया है वो शुरू कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में कौन कौन सी बुक्स होती हैं और बिना किताबों को खरीदे आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ कुछ पेरेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि उनके बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करें, कहीं ना कहीं वो बच्चे को काम ही आएगी, किसी ना किसी स्कूल में काम आएगी। अगर केंद्रीय विद्यालय में नहीं आएगी तो किसी और स्कूल में काम आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में NCERT की बुक पढ़ाई जाती है और NCERT की बुक्स बहुत अच्छी मानी जाती है पढ़ाई के मामले में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो सिलेबस होता है उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट्स को लेकर के बच्चों के ऊपर ज़्यादा सब्जेक्ट का लोड नहीं डाला जाता है। क्लास वन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी की एक बुक है जिसका नाम है रिमझिम, इंग्लिश की 2 बुक है जिसमें से एक है मैरीगोल्ड, दूसरा है रेनड्रॉप। मैथ की एक बुक है जिसका नाम है मैथ मैजिक। तो दोस्तों, ये सारी बुक्स आप कहाँ देख सकते हैं और कहाँ से इसको डाउनलोड करके आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे NCERT बुक, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, इस टाइप से कुछ खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ NCERT टेक्स्ट बुक PDF, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस टाइप का खुल के आ गया होगा। उसके बाद सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें अभी क्लास वन की बुक देखनी है तो हम क्लास वन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जिस क्लास का देखना होगा आप उस क्लास पर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, सारे क्लासेस का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें अभी क्लास वन देखना है तो हमने क्लास वन पे क्लिक कर लिया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक, हिंदी आ रहा है। उर्दू जो है ऑप्शनल होता है, तो हम यहाँ पर अभी हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जिसका भी हमें चाहिए होगा उसका हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी की एक बुक खोल करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बुक टाइटल, यहाँ पर करेंगे। तो हिंदी की सिर्फ एक ही बुक है क्लास फर्स्ट में, तो यहाँ पर देखिए रिमझिम आ गया, तो मैंने रिमझिम पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर गो का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर ये रिमझिम बुक खुल कर आ रही। इसमें देखिए चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर 23 है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको इस बुक का फर्स्ट चैप्टर आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो आप इसके बगल में देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 के बगल में ओपन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ओपन लिखा हुआ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर खुल के आ गया स्कूल का पहला दिन। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है,
ये देखिए, जो जो भी चैप्टर वन में है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसके थ्रू अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वैसे ही आप चाहें तो बाकी सारे चैप्टर्स भी डाउनलोड करके एक एक करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं डे बाई डे। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ ही पूरी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ लास्ट में देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पूरी बुक को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में सेव कर सकते हैं और डे बाई डे एक एक चैप्टर करके आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितने इजी तरीके से आप क्लास फर्स्ट की सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आज ही इसको डाउनलोड करें, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर किसी पेरेंट्स को पता नहीं चल पा रहा है कि बुक्स कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि उनको इस वीडियो के बारे में पता चल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और नई नई वीडियो देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और नए अपडेट देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।